आज अभी मैंने जो आपको इसके पिछली वीडियो में प्रिंटअप और स्कैनर फंक्शन के बारे में बताया, उसी प्रिंटअप और स्कैनर फंक्शन का मैं ये प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टू सम ऑफ टू नंबर्स गिवन बाय यूजर। यूजर से हमको दो नंबर लेने हैं और उनका सम कराना है। इसका मतलब है यूजर हमको दो नंबर ए और बी, माना हमने यूजर ने दिया और उनका हम सम करा के हमारा जो तीसरा जो आ रहा है वो सम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल लेने हैं, तीन वेरिएबल लेने। एक तो हमारा यूजर जो दो नंबर देगा ए प्लस बी, तीसरा जो हमारा कंप्यूटर हमको डिस्प्ले कराएगा उनका सम। तो हमारे तीन वेरिएबल हो गए, तीनों में जाके हमारे तीनों नंबर स्टोर होंगे। ठीक है, हमने जैसा कि बताया था प्रोग्राम लिखते समय हम सबसे पहले उनकी हेडर फाइलें बनाते हैं। हमने उनकी हेडर फाइलें लिख दी, सबसे पहले स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच जो हमारी बेसिक हेडर फाइलें होती हैं। फिर हमने वाइड मेन लगाया, फिर अपना ये कर्ली ब्रेसेस चालू किया। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको किस क्लियर स्क्रीन वाला बताया था कि हमारा जो आउटपुट विंडो होती है, जैसे कि आउटपुट विंडो में अभी हमारा ये कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आउटपुट विंडो में जो कुछ लिखा हुआ है कि ये क्लियर स्क्रीन से सब हमारा साफ कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर में तीन, हमें चूंकि तीन वेरिएबल देने थे ए और बी और सम, क्योंकि हमें सम निकालना था इसलिए हमको दो तो वेरिएबल जो हमारा यूजर इनपुट करेगा, तीसरा जो हमको कंप्यूटर डिस्प्ले कराएगा। हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल सिंपली यूजर तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर टाइप हमने इंट ले लिया। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि हमको यूजर पहले तो हमारे दो नंबर इंटर करेगा। तो हम यहाँ पे हमने प्रिंटअप लगाया, हमने जैसा कि प्रिंटअप का स्टेटमेंट लगाया था, प्रिंटअप में जो भी सिंगल सिंगल सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सीधे लिख देते हैं इंटर द। हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने यूजर ये इससे क्या कहते हैं, ये हमने प्रिंटअप के थ्रू इसको प्रिंट करा दिया, यहाँ हमने ये दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनअप लगाया। ठीक, हमने सब जैसे हमारा इनपुट टाइप इंटीजर हमको लेना है, इंटीजर टाइप इनपुट है हमारा, जो इंटीजर की जो हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है परसेंटाइल डी लिखा है यहाँ पे हमने। फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पे ए लिख दिया। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, ए लिख दिया। एड्रेस ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे, आगे बताया था हमने स्कैनअप में हमारा क्या होता है, देखिए हमने सेम लिखा। उसके बाद हमको दूसरा इनपुट इंटर कराना, तो इसी तरीके से मान लो इंटर था, हमने यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट की जगह बस हम यहाँ सेकेंड लिख देंगे, सेकेंड नंबर लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दूसरा नंबर हमारा बी है। ठीक, हमने दोनों नंबर के यूजर्स ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें सम कराना, तो सम इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी लिख दिया। ठीक, एक बात समझ लीजिए, जिसमें हमको वैल्यू स्टोर करानी होती है वो हमारा लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। यदि यही कैलकुलेशन हम ए प्लस बी इक्वल टू सम लिख देते तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि हम जिसमें वैल्यू हम स्टोर कराते हैं उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हमें सम में वैल्यू स्टोर करानी थी, किसकी वैल्यू स्टोर करानी थी, ए प्लस बी की, इसलिए हमने सम को किस तरफ लिखा, इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखा। ये भी हम जब ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, सब बताएंगे। अब हमको यहाँ पे सम प्रिंट कराना, तो हमने सिंपली प्रिंटअप लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सम ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, सम ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ परसेंटाइल डी लगाया, हमने कहा था बताया था स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सम। ठीक, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। देखिए अभी मैं सारे सारे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं केवल यहाँ पे एक में लिख देता हूँ प्रिंट अप परसेंटाइल डी और कॉमा सम। ठीक, देखिए हमारे प्रोग्राम में जीरो वार्निंग है, जीरो एरर है, ऑल्ट F9 दबाया तो हमारी अब कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब देखिए हमने रन कराया अपना प्रोग्राम, हमारा यूजर से वो मांग रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर ने मान लो हमारा अपना पहला नंबर एंटर किया पांच पांच इंटर किया, इंटर मारा, फिर यूजर वो कह रहा है इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर यूजर ने इंटर कर दिया हमारा 10। फिर हम इंटर दे रहे हैं तो देखिए लिख के आ रहा है 15, लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, पहले 15 लिख के आ रहा है, फिर लिख के आ रहा है सम ऑफ टू वेरिएबल, फिर 15 लिख के आ रहा है। क्यों दो बार 15 लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो बार प्रिंटअप में हमने क्या, एक बार हमने केवल सम लिखाया था, दूसरी बार हमने लिखा था सम ऑफ टू वेरिएबल इक्वल के बाद परसेंटाइल, एक ही नोटिस करिए जहाँ परसेंटाइल डी लिखा है वहीं पर सम प्रिंटर कर गया। इसको देखिए लाइन बाय लाइन स्कैन करा के एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वाइड मेन में गया, ये इसने क्लियर स्क्रीन की, क्योंकि स्क्रीन हमारी साफ हो गई। फिर हमारा यहाँ पे देखिए उसने इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने प्रिंटअप के अंदर ये लिखा हुआ था प्रिंटअप स्टेटमेंट के अंदर, देखिए जो कि तो उसने अंदर इंटर द फर्स्ट नंबर छाप दिया है। फिर उसके बाद हमारा उसने स्कैनअप फंक्शन में फर्स्ट वैल्यू मांगी, तो पहली वैल्यू हमने 5 इंटर कर दी। फिर उसने दूसरी लाइन स्कैन की, देखिए दोबारा लिख दी इंटर द सेकेंड नंबर। फिर हमने जैसे ही हमने स्कैन कराई बी की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, प्रिंटर दे दिया। फिर उसने यहाँ पे सम कराया,
अब यहाँ देखिए प्रिंटर प्रिंटर परसेंटाइल डी सम, जहां पे हमारा परसेंटाइल डी लिखा है बस वहां पे हमारा क्या हो जाएगा सम, परसेंटाइल जी की जगह सम प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये लाइन रेड हुई देखो ये 15 हमारा प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, सम ऑफ टू वेरिएबल इक्वल टू परसेंटाइल डी, इक्वल के बाद हमारा परसेंटाइल डी लिखा है तो मतलब हमारा सम कहाँ पे प्रिंट होगा, जहां पे हमारा इक्वल के बाद हमारा यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस लाइन को रीड किया और ये देखो इक्वल के बाद हमारा सम प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने देखा आउटपुट में देखा है आपने 15 के बाद तुरंत सम ऑफ टू वेरिएबल लिख के आ रहा है। देखिए आप 15 के बाद तुरंत सम ऑफ टू वेरिएबल लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहीं पे यदि हम इसके पहले स्लैश एन लगा दे, क्या लगा देंगे स्लैश एन, ये क्या कर देगा हमारी न्यू लाइन दे देगा। अब देखिए हमारा क्या प्रिंट करता है, 5 और दूसरा वाला दिया 10, देखो नीचे लिख के आ गया। अब सपोज करो ये जो हमने यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखा है इक्वल के बाद ना लगा करके हम मतलब टू टू और वेरिएबल के बीच में हम यहाँ पे परसेंटाइल डी लिख दें, अब जो हमारा सम प्रिंट करेगा वो हमारा कहाँ प्रिंट करेगा, टू और वेरिएबल के बीच प्रिंट करेगा। देखो टू और वेरिएबल के बीच 15 लिख के आ गया कि नहीं आ गया। इससे आपको ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि जहां पर हम परसेंटाइल लिखेंगे परसेंटाइल डी, या मतलब जहां पर हम अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे वहीं पर हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। गो टू माई चैनल गुप्ताज प्रोग्रामिंग हाउस एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। धन्यवाद।